खरगोन जिले के ग्राम श्रीखंडी में वर्ष 1972 से माध्यमिक विद्यालय का प्रारंभ होकर संचालित है। आज देश विकास की गाथाएं जड़कर शिक्षा के क्षेत्र में भी कई ऊंचाइयों को छू रहा है। एक ओर शासन प्रशासन और मुख्यमंत्री द्वारा भी शिक्षा के नए नए आयाम गढ़ने की बात मंचों से की जा रही है। देश में कई IIT और एम्स खुल गए हैं, परंतु मध्य प्रदेश के खरगोन जिले का ग्राम श्रीखंडी, जिसकी जनसंख्या 2500 से 3000 की है, जो विगत 50 वर्षों से अपने बच्चों की उच्च और बेहतर शिक्षा हेतु हाईस्कूल के लिए लड़ाई लड़ रहा है। ग्राम श्रीखंडी में माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए आसपास के गांव से बच्चे पढ़ने आते थे। वर्ष 1972 से एकमात्र माध्यमिक शिक्षा स्कूल ग्राम श्रीखंडी में थी। आज अधिकतर गांव में माध्यमिक स्कूल का उन्नयन कर नई हाई स्कूल खुल चुकी है। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। में पिछले 50 सालों से हाई स्कूल की मांग की जा रही और उन्होंने सांसद जी को संचालन में भी पत्र लिखा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। निश्चित तौर पर श्रीखंडी ग्राम हमारा एक महत्वपूर्ण गाँव है और वहाँ पे लगभग 50 साल से मिडिल स्कूल है और वहाँ अच्छा मिडिल स्कूल के दर्ज संख्या भी अच्छी है। हाई स्कूल की जो मांग है, हमारे विधानसभा में जाने के पिछले ढाई तीन साल लगभग हो गए, हम तो 3 साल से ऊपर हमने लगातार वहाँ हाई स्कूल खोलने की मांग की है। और पिछले दिनों भी हमने यहाँ से जिले स्तर से हाई स्कूल खोलने का प्रस्ताव यहाँ से शासन को भिजवाया। विधानसभा के चलते हमने शिक्षा मंत्री इंद्रजीत सिंह परमार को हमने हाई स्कूल खोलने का प्रस्ताव दिया। CM को भी हमने ये प्रस्ताव दिया पिछली विधानसभा सत्र मार्च में, और वो लगभग वो प्रस्ताव संचालन में जुड़ा हुआ, लेकिन अभी उसके आदेश जारी नहीं हुए। निश्चित तौर पे वहाँ पे बच्चों की संख्या बहुत है और वहाँ हाई स्कूल खुलना चाहिए और उसके लिए हम हर संभव प्रयास। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।